वेलकम टू द स्कूल। और आज हम बनाने वाले हैं ये फ्लावर। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है एक क्विलिंग कॉम्ब, एक फेविकॉल, एक सिजर्स और कोई भी दो कलर कॉम्बिनेशन के क्विलिंग स्ट्रिप्स 5 mm ईच। ऑल्टरनेटली एक एक कलर लेना है और एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। अब वापस से पहला कलर और उसे अगले वाले में डालेंगे। हमें हर कलर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फेविकॉल लगाना है ताकि वो खुले ना। हमें यही कंटिन्यू करना है जब तक दोनों स्ट्रिप्स खत्म ना हो। सारे स्ट्रिप्स को एक साथ रखना है ताकि वो अनइवन ना दिखे, एकदम पैरेलल एक के ऊपर एक आना चाहिए। बस यही करते जाना है। स्ट्रिप्स खत्म होने आ गई हैं तो हम दोनों को चिपका देंगे। और जो एक्स्ट्रास हैं हम उन्हें काट देंगे।
से बाहर निकालेंगे। हमारा पेटल ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमें उसे इस तरह से थोड़ा सा मोड़ना है ताकि वो कर्व आ जाए और बिल्कुल तैयार। फेविकॉल अच्छी तरह से चिपकाइए, उसे टाइटली पकड़ लीजिए ताकि वो खुले ना, और हमारा पेटल तैयार है। इसी तरह आपके लिए हमने पहले से ही सारे पेटल्स तैयार करके रखे थे। अब हम इन्हें जॉइंट करेंगे। सबको साइड्स में लगाना है थोड़ा थोड़ा फेविकॉल और एक दूसरे से चिपकाना है। इसी तरह हमें सारे साइड्स में फेविकॉल लगा लगा के हर एक चिपकाना है। फेविकॉल लगाइए और नेक्स्ट पेटल ज्वाइन कीजिए। इसी तरह सारे पेटल्स को ज्वाइन करना है। उन्हें टाइट प्रेस करके मेक श्योर कीजिए कि वो अच्छे से चिपक रहे हैं। इसी तरह हमारा फूल बनता हुआ। हमारा फूल रेडी है। बस हम बीच के एरिया के लिए एक सर्कल बनाएंगे टाइट कॉइल। दोनों को साथ में स्टिक करना है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। हम रोलिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे टाइट कॉल बनाने के लिए। इसे थोड़ा टाइट रोल करना है। हमने दोनों फुल स्ट्रिप्स लिए हैं ताकि हमें एक बड़ा कॉइल बने और वो सारा एरिया बीच का कवर हो जाए। और टाइट कॉइल तैयार है। हम उसे निकालेंगे और फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल लगाकर फिर निकालेंगे।
बस अब टाइट कॉइल को स्टिक करना है और हमारा फ्लावर रेडी। अच्छे से फेविकॉल लगाइए ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए टाइट कॉइल। और हमारा फ्लावर रेडी है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप और क्या देखना पसंद करेंगे। थैंक यू।